मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, धान क्रय तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की समीक्षा की। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडल जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, CDO इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, CMO श्रीकांत तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष धान क्रय करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना की भी समीक्षा की तथा अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने के साथ ही सबके स्वास्थ्य के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया तथा कहा कि किसी के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराज पहले PM स्वनिधि से प्रारंभ करें। सीनियर बैंक्स के ऑफिसर्स हैं सर, कमिश्नर्स हैं, DM से नगर आयुक्त हैं, PO हैं और LDM बैठे हैं सर वहाँ पे। सर जो PM स्वनिधि योजना है सर, 1 जून से लागू है सर, 2 जुलाई से इसका पोर्टल गरीब पटरी ठेला श्रमिक भाइयों के लिए स्कीम है सर। वर्किंग कैपिटल 7% इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है सर, और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर हमको 100 रुपये का हर माह कैशबैक है सर। तो और 1 साल में अगर ये लोन रिक्रूटमेंट करते हैं, शहर के बाहर जहाँ के लोग आते हैं इसमें श्रमिक बंधु आते हैं, वो भी कवर्ड है सर। उनको एडवांस नगर निकाय जारी करती है और उसमें बैंक उनको लोन देते हैं सर। सर ये अवगत कराना है सभी जिलों में, ये क्लैरिफाई करना था, कुछ कंफ्यूजन सर उस दिन डिस्बर्समेंट होगा, ये क्लैरिफाई सर आपके सामने सभी को मैं कर रहा हूँ सर कि डिस्बर्समेंट उसके पहले करने हैं, उस दिन मात्र संवाद है सर, तो ये कोई कंफ्यूजन न। और ये तय हुआ था कि बैंक पूरा सहयोग करेंगे, सैटरडे संडे को भी ब्रांचेस खुली रहेंगी और लोन डिस्बर्समेंट किया जाएगा। सर आपके सामने मैं अभी तक का स्टेटस रखना चाहूंगा सर, एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है UP में सर, ये 10 कंट्री में सबसे आगे नगर निगम है, उसमें UP के 5 है सर, वाराणसी 1 नंबर पे है सर, लखनऊ 4 नंबर पे है, प्रयागराज निगम की स्थिति बहुत संतोषजनक है। आज तो ये 5 केवल सैंक्शन में है या रजिस्ट्रेशन में है सर, और अभी ये जो हमारा अभियान चल रहा है हम उम्मीद है कि और शहर हमारे इसमें आ जाएंगे सर। जो 5 नगर निगम जिनकी अभी संभल, शामली, चित्रकूट, गौतम बुद्ध नगर और एटा, इनमें स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है सर। प्लस चूंकि बैंकर्स यहाँ पे है, मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि 17-18 में हालांकि निर्देश दिए गए थे कि ब्रांचेस खुलेंगी, लेकिन कानपुर देहात, बलिया, हापुड़, सुल्तानपुर, बिजनौर में दिक्कतें आई, ब्रांचेस खुली नहीं थी। इसको अगर आप नोट कर लें क्योंकि फिर आगे इस पे कार्रवाई करनी है सर। आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे सर, जो टारगेट आपने हम लोगों को दिया है वो वाराणसी के लिए 25,000 का है और पूरे प्रदेश के लिए 2.5 लाख का टारगेट है सर। और चूंकि पहले हम लोग इसमें जो रोजाना प्रगति कर रहे थे सर डिस्बर्सल की, वो करीब 4,500 की प्रगति थी, अभी जो लीगल 2 दिनों में भी है करीब 17,000 की प्रगति है सर। वांछित प्रगति जो हम टारगेट अचीव करने के लिए हमें चाहिए इन अगले 5 दिनों में सर, वह 25,000 प्रतिदिन की चाहिए होगी ताकि डिस्बर्सल करके और हम टारगेट अचीव कर सके सर। सर जिलाधिकारियों से और कमिश्नर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, 3 बिंदुओं पे उनको कार्रवाई करनी है सर। एक तो जो श्रमिक बहने या बंधु है उनको बैंक शाखा में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना, चूंकि फर्क का भी समय चल रहा है सर, तो एक काम तो हो जाए उसमें जिला स्तरीय अधिकारियों को लगा दें EOs के साथ और नगर आयुक्तों के साथ, और वहां पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, गाड़ी वगैरह की व्यवस्था करनी होगी सर, और एक बैंकों से समन्वय कर डिस्बर्समेंट की व्यवस्था करनी होगी सर, ताकि जो आए वहां पर श्रमिक उनको डिस्बर्समेंट हो जाए सर। और उनकी 3 स्टेजेस हैं जिसपे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता चाहिए होगी सर। 2 लिस्ट मैंने शेयर कर लिया है सर ग्रुप पे, सभी DMs के पास है सर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित गोल्डन कार्ड को लेकर के और तीसरा धान क्रय केंद्रों की स्थिति को लेकर के, मैं पहले PM स्वनिधि को लेकर के ही बात कर रहा हूँ। प्रमुख शिशु मंडल विकास ने इस बात को कहा है, मेरे पास यहाँ पर लखनऊ में सभी बैंकर्स के CGM, GM वगैरह सब बैठे हुए हैं यहाँ पे,
और जनपद स्तर पर भी जो हमारे जनपद स्तर के जो वहाँ के नोडल बैंक होंगे उनके अधिकारी भी वहाँ मौजूद होंगे। सभी मंडलायुक्तगण और सभी जिलाधिकारीगण इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक तत्काल करते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि अभी सैंक्शन जो 2,83,000 हुए हैं इसकी संख्या बढ़ाना और इसमें जो डिस्पर्सल की बात हो रही है तो इसको भी बढ़ाना, इसको हम कम से कम 2.5 से 3 लाख तक पहुंचाएं। मुझे आश्चर्य होता है 18,000 से अधिक बैंक की ब्रांचेज हैं उत्तर प्रदेश में, एक ब्रांच एक दिन में 4 से 5 लोगों को भी सेंक्शन करेगी तो भी ये संख्या काफी अच्छी हो जाती है। हम लोग 25,000 एक दिन में नहीं दे पा रहे हैं, इसी में श्वास फूल रहा है, आखिर बिजनेस बढ़ेगा कैसे? बैंक के लिए भी और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी स्कीम आई है। इसलिए मैं जितने भी यहाँ पर हमारे बैंकर्स आए हैं उन सबसे भी मैं आग्रह करूँगा कि भारत सरकार की इस स्कीम को हम लोग मिशन मोड में लेकर के अगले एक सप्ताह के लिए केवल इस कार्यक्रम को बहुत प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा लें। हर हाल में 3 लाख लोगों के डिस्पर्सन की व्यवस्था यूपी के अंदर हम करवा दें और सैंक्शन की संख्या 5 लाख तक पहुंचवा दें, एक अच्छी संख्या दिखनी चाहिए। ये अवसर है जब पर्व और अब हम लोग कोरोना से उभरने की स्थिति में है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो एक्टिव केस यूपी के अंदर थे कोविड-19 के 68,000 थे, ये घट करके आज 31,000 पे आ चुके हैं, बहुत तेजी के साथ सुधार हुआ है। अब लोग पर्व और त्योहार के जैसे जो बिजनेस का समय है ये है, पूंजी उसको इस समय मिलेगी, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग अगर जनपद स्तर पर और नगर निकाय स्तर पर डिजिटल पेमेंट के साथ हम उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवा लेंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उस व्यक्ति के जीवन में भी एक खुशहाली देखेगी पर्व और त्योहार की। इस समय लोग मार्केट में जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए, 10,000 रुपये अगर किसी स्ट्रीट वेंडर को मिल गए और ठेला ले सकता है इस समय विभिन्न प्रकार की उन चीजों को मार्केट में गली मोहल्लों तक ले जा सकता, बहुत सारे